हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 आपका है दगो कोइनो सगो होतो नथी। तो चैप्टर के अंदर क्या है हम देखते हैं। एक गाम मात्रन चोर रहता हता, तेओ नानी मोटी चोरी करीने पोतानु जीवन चलावता हता। एक बार तेओए मोटी चोरी करवानु विचारू, जेथी जीवन भर खोटू ज नहीं खूटेज नहीं। त्रणे चोर थी निकड़ीने एक मोटा शहर में पहुंचा। एक दिवस दरमियान आखा शहर में फर्या। एक मोटी सोना चांदी नी दुकान पर तेमनू मन बैठू। रात पड़ी एटले एमने दुकान में चोरी करी अने एटलू लेवाय एटलू जर जवेरा गासड़ी में बांधी ने त्यांती भागी छूटिया। यानी एक गांव में तीन चोर रहते थे और क्या है वो छोटी मोटी चोरी करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि एक दिन हम क्या करते हैं, एक बड़ी चोरी कर लेते हैं और साथ में क्या करेंगे हम कि इसको चोरी करने के बाद हम क्या है कि हमको जिंदगी भर का क्या है हमको आराम मिल जाए। तो वो अपने गांव से निकलकर एक दूसरे शहर में गए। वहां पर उन्होंने एक दिन पूरा लगाया समय और उनका जो मन एक सोने के दुकान में बैठा, सोने चांदी की दुकान में, वहां पर वो रात को चोरी करने के लिए गए और जितना हो सका उतना धन जवेरात सब उसमें भर के वहां से चले गए। त्रण चार दिवस सतत दौड़ा दौड़ी पची तेओ ने लाग्यू के हवे कोई पाछो करे तेम नथी, एटले हवे क्या मुकाम करीने थाक उतारीए। एकनी नजर मंदिरनी ध्वजा पर पड़ता त्रणे दिशामां चार्या शहर बहार आवेलू। यानी तीनों चोर सतत दौड़ी करने के बाद उनको लगा कि अब जो मामला क्या है वो शांत हो गया है। एक जो आदमी था उनमें से, उनकी नज़र क्या है एक मंदिर के ध्वजा में पड़ी। उसने सोचा ये जगह हमारे लिए सही होगा। ये जूनू महादेव नू मंदिर हतु, बाजू में एक नदी पण हती। त्रणे त्यां नाया, त्रणे ककड़ी ने भूख लागी होवाती तेमनो एक बाजू में गाम में नास्तो लेवा गयो। यानी उनको ना क्या है एक वो महादेव का मंदिर था वहाँ पर वो क्या है गए और वहाँ पर जाके वो गए तो वहाँ पर एक नदी था, नदी में क्या है वो नाए और क्या हुआ कि एक था यानी भूख लगी थी उनको, तो एक चोर था तीनों में से एक चोर, उसको क्या है वो गांव में जाकर नाश्ता लेने गया। ते कदो इनी दुकाई गयो त्यांथी शुद्ध घीना लाडू लीधा। तेना मन में खरा विचार आव्यो के जो पहला जे जाड़ा ने हूँ कोई रीते मारी नाखूँ तो बधु झवेरात मारा एकलानू थई जाए। तेने युक्ति विचारी अने बधा लाडू में झेर भेरवी दीधुं अने झड़पती मंदी तरफ आवा निकलू। परंतु नदी में बैठेला बन्ने चोरना मन में पण कपट हतु के जो पहलो नास्तो लईने आवे ते तरत एना पर तूटी पड़ीए अने एने मारी नाखीए अने नदी में नाखी दईए अने बधु जवेरात आपणे बन्ने वेची लईशुं एम आम योजना विचारी। तो यहाँ पर जो नदी के किनारे जो चोर थे दोनों, वो दोनों ने ये चीज़ सोचा कि जब वो चोर आएगा तो हम उसके ऊपर कूद पड़ेंगे और उसको मार डालेंगे और जो जवेरात है वो हम दोनों क्या है साथ में ले लेंगे। जेवो पहलो चोर नास्तो लेने आव्यो के तरत जो बन्ने जना एना पर टूटी पड़िया अने गड़ू दबावीने एनु ढील ढाकी दीधो। लाश ने नदी में नाखी दीधी पण बन्ने जना हसता हसता नास्तो करवा बैठा। थोड़ी वार में ते
બંનેની ઝેરની અસર થવા લાગી અને તડફડાવતા લાગ્યા અને તેઓ પણ રામ રમી ગયા. તો જૈસે હી વો નાસ્તા લેકર આયા તો ઇન દોનોને મિલકર ક્યા ક્યા ઉસકો પકડ કર ઉસકા ગલા દબા દિયા ઓર થોડી દેર મેં વો મર ગયા. ઉતને મેં યે દોનોને સોચા અબ આરામ સે બેઠ કર હમ ક્યા હે નાસ્તા કર લેતે હૈ. તો વો જૈસે નાસ્તા કરને કે લિયે બેઠે ઓર લડ્ડુ ખાઈ ઓર ઉસકા ઝેર કા અસર ઉને લગા ઓર યે દોનો ભી મર ગયા. સાચું જ કહ્યું છે કે દગો કોઈનો સગો હોતું નથી, જેવું કરે એવું ભોગવે. યની સચી કહા હૈ કે જો દગા હૈ વો કભી કિસી કા સગા હોતા નહીં હૈ, હમ જૈસા કરતે હૈ હમકો વૈસા હી બનના પડતા હૈ. તો યે ચેપ્ટર આપકા કુછ ઇસ તરહ કા થા, આપકો બખૂબી સમજ મેં આ ગયા હોગા. ફિર મેં આપકો આપકે નેક્સ્ટ વીડિયો મેં મિલુંગા નેક્સ્ટ ચેપ્ટર કે સાથ. તબ તક કે લિયે બાય.